हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड लेंटिल्स। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपको प्याज की खीर बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिटेल रेसिपीज के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.beyondlentils.com। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप सभी ने अनेकों प्रकार की खीर खाई होगी, पर आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी खीर की रेसिपी बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी, प्याज की खीर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम प्याज की खीर बनाएंगे। इसके लिए एक बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा दें और सफेद प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। यहाँ पे मैंने एक कप प्याज का इस्तेमाल किया है। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें प्याज डाल दें। ऐसा करने से प्याज का सारा तीखापन या कड़वापन निकल जाएगा और उससे आसानी से खीर बनाई जा सकेगी। इसे 5 मिनट तक तेज आंच पर उबलने दें और फिर छान कर अलग रख लें। अब खीर बनाने के लिए एक बर्तन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डालें। जैसे ही दूध उबलने लगे उसमें ये पानी निथारा हुआ प्याज डाल दें। इसे कम आंच पर धीरे धीरे पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें ताकि मिल्क बर्तन के तले से चिपक कर ना जले। अब इसमें अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें। यहाँ पर मैंने काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम लिया है 1/4 कप। ये खीर आधे घंटे से पक रही थी, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब बारी है इसमें चीनी डालने की, चीनी 2 बड़े चम्मच। अब 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालें। इस खीर को 15 से 20 मिनट और पकाने के बाद इसका टेक्सचर एकदम रबड़ी जैसा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्कमेड डालेंगे। ये मिल्कमेड खीर के स्वाद को और बढ़ा देगा। मिल्कमेड डालकर 1 मिनट और पकाएं। ये खीर बनकर तैयार है, इसे अपने स्वाद अनुसार गर्म या ठंडा सर्व करें। आप इसे ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।